स्नान कर रही थी और पहल कर पार्वती नंदन को खड़ा कर दिया, क्योंकि हमारे भगवान गणेश का पहले पार्वती नंदन ही नाम था। तो पहल कर पार्वती नंदन को खड़ा कर दिया और कहा किसी को अंदर मत आने देना। इतने में भगवान भोलेनाथ आ गए और अंदर जाने के लिए जिद करने लगे। पार्वती नंदन ने उनको बहुत मना किया, आप अंदर मत जाइए, माता ने मना किया है। लेकिन वो माने नहीं और अंदर जाने के लिए जिद करने लगे। और जब जिद करने लगे और वो नहीं माने तो देखिए उसी त्रिशूल से पार्वती नंदन का शीश भगवान भोलेनाथ को काट दिया। इसलिए कहना है प्रभु Thank you.
आगे के तरफ से आए बेटा आप ही तरफ से ये क्या रुपए आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया को आशीर्वाद की कामना करना चाहूंगी। अरे बड़े भैया राघवीर यादव इटहा कटहा या की तरफ से एक से एक रुपए है बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। और ये बड़े भैया महेश यादव आपकी तरफ से भी एक से रुपए आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। और ये आदरणीय बड़े भैया दिनेश पाल हसनपुर खेवली आपकी तरफ से भी एक से रुपए आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय बड़े भैया राजेश यादव आपकी तरफ से भी एक से रुपए आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना करते हैं। Stop!
वंदना थी। आइए जिसके इंतजार में आप सभी लोग बैठे हैं, सतर्क हो जाओ। चैनल पे पिक्चर भी बना है। कमेटी वाले भैया से प्रार्थना है कि लाइट इधर पड़वा दे, बहुत बड़ी महान कृपा होगी। इधर लाइट लगाए रहा, इसको इधर पड़वा दे मंच के तरफ। बात और करुणा की सब पे करैया हो, कठिन कुवंत काट करती कृपा की कोर। करुणा मई महान कष्ट की कटैया हो, तो श्वेत वाहिनी वर्षा करैया हो। रावरे चरल पे चारु चित है रमाए सरल, अरे रम जा रसना पे आके सरस्वती मैया हो। देखिए हम लोग कीर्तन के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहे जितना पूजा कर लो, जितना व्रत कर लो, जितना उपवास कर लो, लेकिन अगर भाव नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा समस्त भक्तों से कि आप लोग दोनों हाथ उठाकर एक बार भगवान भोलेनाथ का जयकारा पुनः लगाएं। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हाथ तो उठे लेकिन वह लोग बहुत कम थे। भंडारा चला विधिवत, उस भंडारे का एक अंश जरूर मुंह से निकालिएगा। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए माता भगवती सरस्वती के दरबार में हाजिरी लगाने का प्रयास कर रहा हूं। कह रहा हूं मां, अरे के ये दास भी तेरे पास, हो गया तो मैं आके एक नारियल और एक झंडा चढ़ाऊंगा। इसलिए मैया ये दास भी तेरे पास माना चाहता, अरदास में ही विश्वास जगाना चाहता। अरे मुझको क्या फर्ज है, मुझको क्या कर्ज है, क्या समाना चाहता। ये दास भी तेरे पास माना चाहता।
दलहन खेड़ा आपके कर कमलों के माध्यम से 101 मंत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। माता भगवती आपके और आपके परिवार को हमेशा संभालते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। कराओ क्या भटक रही है, कोई जोड़ नहीं आता, भटक रही है जीवन नैया, कब से मेरी मझधारों में। अरे माता ऐसा लगता जान बचीना, श्रद्धा के शेरा वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, श्रद्धा के फूल समर्पित करता हूँ चरणों। तल भी आ जाए कुछ मेरे भी आ में। माता धन व रतन की चाह नहीं आए हुए हैं। बड़े भैया सरजू ग्राम नया पूर्वा आपके ओर से 101 पत्र मुद्राए। जितेंद्र यादव जी ग्राम दखवा आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राए। दौवा जी नया पूर्वा आपकी ओर से 21 मुद्राएं आई हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया रमेश यादव जी घोसवल कला से आप पधारे हुए हैं,
51 मुद्राएं आपकी ओर से आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। पुतन यादव जी घ्यौली का पुरवा 51 पत्र मुद्राएं, और बड़े भैया दिलीप चंद्र यादव देवा मऊ से आप पधारे हुए, 21 मुद्राएं आई हुई हैं आपकी तरफ से। बजरंग पाल जी आपकी तरफ से 51 मुद्राएं आई हुई हैं। जगदेव प्रसाद जी आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और ये आदरणीय प्रेम पाल जी ग्राम नया पुरवा 51 पत्र मुद्राएं। बड़े भैया ओम प्रकाश पाल जी आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं आई हुई हैं, आप भी नया पुरवा से पधारे हुए हैं। और भैया रविंदर यादव टेंट हाउस ग्राम नया पुरवा आप